सो हेलो गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्रीज मिस्ट्री। सो आज का टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स एंड बेसिस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड्स जो होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं, वो एसिड्स होते हैं विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं वो हमारे ब्रॉन्स्टेन लॉरी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेन लॉरी बेसिस जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, वो बेसिस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाटर है और ये HCl है। वाटर और HCl रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो जो वाटर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है और HCl प्रोटॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये लूज कर रहा है। तो ये क्या होगा, एसिड, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब कि कोई भी एसिड है, जैसे को फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई ये लूँ एसिटिक एसिड लूँ, एसिटिक एसिड कितना अमाउंट इसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मैंने 100 ग्राम लिया था ये, और ये 100 ग्राम से ठीक है 100 ग्राम लिया और ये 50 ग्राम अगर ये बन गया है और इक्विलिब्रियम सेट हो गया इसमें, ठीक है, तो ये वीक एसिड होगा, ठीक है। जैसे HCl लेते हैं, HCl क्या होता है, HCl का जो आयनाइजेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा होती है देन एसिटिक एसिड। तो अगर मैंने अगर 100 ग्राम लिया है तो अबाउट 90 ग्राम मुझे H प्लस आयन मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब परसेंट, अगर इसको परसेंटेज में करते हैं, ग्राम छोड़ो परसेंटेज में करते हैं, अगर ये इतना परसेंटेज में हो तो 90% ये हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इज़ द मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। जो जितना ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इससे पहले प्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जितने भी होते हैं हमारे सब प्रोटिक एसिड्स होते हैं। तो प्रोटिक एसिड्स वही जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। तो डायप्रोटिक एसिड्स क्या होंगे, डायप्रोटिक एसिड्स वो एसिड्स होंगे जो दो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल क्या है, H2SO4 क्या करेगा, एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और H प्लस बना देगा, ठीक है। एक प्रोटॉन निकल गया हमारा, ऐसे ही HSO4 नेगेटिव एक प्रोटॉन और रिलीज करता है, SO4 2 नेगेटिव बनाता है, एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा H2SO4 क्या होगा डायप्रोटिक एसिड होगा। तो अब देखते हैं हम एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर, जिसमें क्या लिखा है, हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। बिकॉज अगर इससे ज़्यादा कोई भी एसिडिक होगा, कोई कंपाउंड अगर इससे ज़्यादा एसिडिक होगा तो जो एसिड का H प्लस आयन है वो वाटर को अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। सो क्या होगा, वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। सो सिमिलरली जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है वाटर में। अगर इससे ज़्यादा कोई बेसिक होगा, अगर हाइड्रोनियम सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन से अगर ज़्यादा कोई बेसिक होगा
तो क्या करेगा वो, प्रोटॉन अपना जो प्रोटॉन होगा वो लूज़ कर देगा। अगर वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। तो ये था बेसिक इसमें। सो क्या लिखा है, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर द आयन्स आर सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड का मीन्स क्या है, अगर कोई कंपाउंड लूँ, अगर मैं NaOH लूँ, NaOH अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को के बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ही अगर इसको मैंने अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व करा, ये सॉल्वेट करा, वाटर के अंदर डिजॉल्व करा, तो ये सॉल्वेटेड हो जाएगा। सॉल्वेटेड का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, बस सिंपल डॉटेड है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिंक, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज इट हैज नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो बेस है NaOH का, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, उस पर क्या होगा, जो वाटर का, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, बट इसके बीच में क्या होगा, अगर इसको मैं अगर मैं H मानूँ तो ये क्या होगा, O होगा और ये H होगा, अगर ये O है तो ये H होगा, ये O है तो ये H, O, H, ये O है तो H, O, H। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बल्कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्वेट होगा ये, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन हूँ, अगर NaOH अगर एक्वस लिया, ऐसे अगर NaCl एक्वस लिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अगर ये एक्वस है तो यहाँ पर क्या होगा, H3O पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, OH नेगेटिव होगा, यहाँ पर H3O पॉजिटिव होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, टू मोल्स ऑफ वाटर जनरेट हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर NaCl है, जो NaCl यहाँ पर अगर इसको मैं अलग अलग करूँ, अगर जैसे अगर मैं इसको एक्वस फॉर्म उसमें लिखूँ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक है, और H3O पॉजिटिव वाटर से आए, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड तो है, ये किसका है, बेस का, सॉरी ये NaOH का है हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और टू मोल्स ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पे NaCl है, जो NaCl है, इनका कुछ हुआ ही नहीं, इनमें कुछ जैसे Na पॉजिटिव रहा, Cl नेगेटिव, बट ये जो है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन कन्वर्ट हो गए टू मोल्स ऑफ वाटर में। तो ये जो आयन्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर्स आयन, बिकॉज कि इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, स्पेक्टेटर दर्शक बन रहे एक तरह से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, इस पर कौन सा जाएगा, डेल पॉजिटिव, इस पे जाएगा डेल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसमें रिएक्शन में क्या हुआ, इस तरह से एसिड का वर्क करा और जो वाटर आया एक तरह से बेस का वर्क करा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे HCl है और ये वाटर है, ठीक है, बना देंगे क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे जो HCl है, ये जो HCl है, ये एक तरह से एसिड का वर्क कर रहा है और ये HOH मतलब वाटर जो है एक तरह से बेस का वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ गुड देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट।